कंटिन्यू करते हैं, रूट थ्री बनाते हैं अब हम, ठीक है। तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर ली है हमने, स्ट्रेट एक लाइन ड्रॉ कर लो, उस पे कोई भी पॉइंट ओ ले लिया है। रूट थ्री बनाने के लिए रूट टू बनाना बहुत जरूरी है, जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है प्लीज वो देख ले एक बार। अब रूट थ्री बनाते हैं, ठीक है। वन वन ले लेंगे यहां से, सबसे पहले नीचे वन ले लिया, 1 सेंटीमीटर मान लिया उसे, और पॉइंट हो गया ए, कुछ भी लिख सकते हो वैसे। वन यहां पे हम बनाएंगे 90 डिग्री, ठीक है। क्लियर है। इसके बाद ये 90 बन जाए, ये बन गया, ठीक है। तो मैंने लास्ट वीडियो में भी एक चीज बताई थी अगर आपको ध्यान हो, कि जिस पॉइंट से 90 बनाते हैं ना, ये बात ध्यान रखिएगा, उस पे हमेशा 1 सेंटीमीटर का ही कट होना चाहिए। और 1 सेंटीमीटर मैंने आपको बताया था स्केल का, ये इंच वाला पार्ट लेना है ताकि नंबर लाइन अच्छे से शो हो सके, अच्छी लगे देखने में यहां से ये, ठीक है। और इसको आप शो कर दो इस तरीके से। ये था हमारा रूट टू, ध्यान है ना, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, हमें रिप्रेजेंट करना है रूट थ्री कैसे करते हैं, ठीक है। इस लाइन को चाहो तो थोड़ा बड़ा कर लो अपने लिए, आसानी के लिए। अब रूट थ्री बनाना है, ध्यान से देखिए, हमारा जो है रूट थ्री किस पे बनेगा। अगर हमें रूट टू बनाना होता है ना, तो बेस लेते हैं वन, जो कि हमने वन लिया था। याद रखिएगा, रूट थ्री बनाने के लिए जो हमें बेस लेना है, बेस वो लेना है रूट टू, तो वो ये रहा रूट टू, तो बेस हमारा हो गया ये वाली लाइन। क्लियर है। अब देखिए यहां से बनाएंगे हम क्या, 90 डिग्री, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। बना लेते हैं, ये बन गया हमारा 90 डिग्री। अब यहीं पे क्या बनाएंगे, 90 डिग्री तो बना ले पहले, बन गया 90 डिग्री, चलो ठीक है। फिर उसके बाद ये रहा पॉइंट, इसको ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से जहां से बनाया था ना 90। फिर मैंने आपको पहले भी बताया था, 90 डिग्री जब भी बनाएंगे, जिस पॉइंट से बनाएंगे, 1 सेंटीमीटर ही आर्क लेनी है, 1 सेंटीमीटर ही लेंगे, ये रही 1 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकस आ रहा है सही से। तो ये रहा हमारा सी, तो ओ भी तो हमारा रूट टू हो गया, ये वन, और ये ओ सी क्या हो गया, रूट थ्री। अब क्या करेंगे, हमें रूट थ्री बनाना है ना, जिस पॉइंट से था, देखिए सी से था ना, इसको ऐसे नोट कर दो, ये बाय डिफॉल्ट है 90 के साथ टच हो रहा है, जरूरी नहीं है। तो ये डी, तो रूट थ्री, तो कौन सा ट्राइंगल, रूट टू तो हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था, तो वो अगर हमें यहां पे देखना हो तो ए ओ बी में है रूट टू, लेकिन रूट थ्री कौन से ट्राइंगल में है, बी ओ सी। तो फटाफट पाइथागोरस लगा देते हैं जल्दी से, रूट थ्री बी ओ ट्राइंगल बी ओ सी बाय पाइथागोरस थ्योरम से शो कर देते हैं। फॉर्मूला तो आपको पता ही है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच होता है हाइपोटेन्यूस, 90 है बी पे, उसके सामने वाला है ओ सी, परपेंडिकुलर है बी सी और ओ बी। क्लियर। ओ सी हमें मालूम नहीं है अभी, ओ बी हमारा था, बी सी था हमारा वन, और ओ बी था रूट टू, वन का स्क्वायर वन होता है, रूट टू का स्क्वायर टू होता है, ध्यान रखना, क्योंकि आपने किया है ना एट क्लास में, रूट टू का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाता है, नहीं तो आप ऐसे समझ लीजिए दो रूट के अंदर है तो एक बाहर आ जाता है। तो ओ सी हो गया, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट ओ सी हो गया रूट थ्री। तो लगा यहां पे लिख देंगे लास्ट में, पॉइंट डी रिप्रेजेंट रूट थ्री ऑन दी नंबर लाइन। क्लियर स्टूडेंट्स। अब हम बनाएंगे रूट 17, देखिए एक और रूट 17, वैसे ही सेम एक लाइन ड्रॉ कर ली फटाफट आपने, एज क्विक एज पॉसिबल। देखिए रूट 17 के लिए एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है, थोड़ी बड़ी कर लो, वो दे दिया। अब रूट 17 है, ठीक है, रूट 17 के लिए ध्यान रखना, हमें जो नीचे लाइन लेनी है ना, वो लेनी है 4 सेंटीमीटर की, कितनी 4 सेंटीमीटर की।
अब कहेंगे हमें कैसे पता भाई ये 4 ही क्यों लेनी है, तो आपको एक तरीका बता देता हूं। जो भी हमें रूट बनाना है इसमें से माइनस करिए 1, तो रूट 17 में से 1 माइनस किया क्या आया, अंडर द रूट 16। 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, तो 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये ट्रिक है, ध्यान रखिएगा। तो 4 लेना है, मैंने आपको पहले ही बताया हमें ये वाला, हम ये वाला यूज कर रहे हैं मेथड इस तरीके से, ताकि अच्छा भी लगे बनाने में और छोटा भी ना हो। तो हमारा ये हो गया 1, 2, 2, 3 और ये 4 हो गया ना, 1, 2, 3, 4। तो 4 लेंगे, तो इसे हमने ले लिया A। अब नीचे वाला इरेज कर सकते हैं आप इरेजर से। ठीक है, देखिए जी, पहले ड्रॉ कर लेते हैं, बाद में कर देंगे। ए पे हम बनाएंगे 90 डिग्री, क्लियर हो रहा है बच्चों, ध्यान से देखना भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हो गया, इसको स्ट्रेट ड्रॉ कर दिया। अच्छा, आपको एक चीज और बताई थी कि भाई लास्ट वीडियो में भी आपने देखा था और इसमें भी रूट 3 में भी, कि मैंने बताया जब भी 90 पे आप ड्रॉ करेंगे कोई भी, तो कितना लेना है, 1 सेंटीमीटर की ही आर्क लेनी है। तो ये हो गया 1, कट हो गया, इसे आप कोई भी नाम दे दो, बी दे दो, और इसके साथ इसको ध्यान से आराम से ज्वाइन कर दो। ठीक है, फिर उसके बाद कंपास खोलो, हो गया क्लियर, यहां से देखो, और ये हो गया, इसको नाम दे दो कोई भी, डी दे दो। तो ये हो गया आपका नीचे वाला, ये जो है आपका हो गया 4, ओ से ए तक 4, ये 1, और ये हो गया रूट 17। निकलेगा कैसे बता देता हूँ, ये भी रूट 17। तो पाइथागोरस थ्योरम से बता देते हैं, ट्राइंगल है एओ बी, वैसे ही सेम है, आप कर लेंगे इसको, सिंपल ही है बाय पाइथागोरस थ्योरम करके फटाफट। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच आपको पता है 90 के सामने है, ओ बी परपेंडिकुलर है ए बी, और बेस है आपका ओ ए। ओ बी क्या है, 1, ए बी क्या लिया था, ओ बी है हमारा, ओ बी सॉरी, ओ बी तो निकालना है हमें, कोई नहीं, ओ बी को ओ बी रहने देंगे। ए बी है हमारा 1 और ओ ए है हमारा 4। 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, तो वो भी आ गया हमारा रूट 17, आ गया ना, ऐसे आया इसलिए वहां लिख दिया। तो लास्ट में क्या है, डी, तो लिख देंगे पॉइंट डी रिप्रेजेंट रूट 17 ऑन दी नंबर लाइन। ऐसे ड्रॉ करना है रूट 2, रूट 3 और रूट 17। आप होमवर्क के लिए क्वेश्चन भी ले लो, इसमें कर लेना, रूट 5 बना के देख लेना कैसे बनता है एक बार। ठीक है, रूट 10 देख लेना और रूट 26 भी ट्राई कर लेना। क्लियर है, पसंद आए वीडियो तो सब्सक्राइब शेयर और लाइक कीजिए।